दोस्तों पहले आवाज़ सुनिए, बहुत है नज़ारो। ये भी एक म्यूजिक है, ठीक है। ये धुन में म्यूजिक राइडर भी बना सकता भाई, ये धुन ठीक है। ये दिल को सबको देने वाली धुन है, दिल को ठंडा देने वाली धुन है, और दिल को वो चीज़ देने वाली धुन है कि भगवान तूने मुझे इस लायक समझा कि इन लोगों की सेवा करने का मुझे मौका दिया। 1500 कबूतरों का जो मैं 10-15 साल से भरता आ रहा हूँ, ये देखो अभी उड़ गए हैं। अगर एक उड़ता तो सब उड़ जाते हैं, ठीक है। तो 10-15 साल से जो मेरे को एक मौका दिया भगवान ने, ठीक है, इनका पेट भरने का। भगवान ने शुरू से ही मतलब ऐसी शिक्षा दी है कि बेजवानों को ना, बेजवानों के प्रति, ठीक है, गरीबों के प्रति, ठीक है, कमज़ोर लोगों के प्रति, अपनी काबिलियत के हिसाब से मैं जितना कर सकता हूँ करने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है, पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो भगवान जो है, कोशिश मैं नहीं करता, वो भगवान मुझसे करवाते हैं। और भगवान से मेरा ये वादा कि मरते दम तक मैं ये काम, ठीक है, करते रहूँगा हमेशा, जब तक मेरे दम है। खाने के लिए अगर प्रॉब्लम आई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए, ठीक है, बेजुबा जानवरों के लिए, इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा भगवान से मैंने वादा किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और तहे दिल से उनका नमन करता हूँ कि भगवान तूने मुझे इस काबिल बनाया, और मेरे दिमाग में वो बातें फीड करी कि मैं लोगों की मदद करने के लिए, और मुझे आपने जो वो शक्ति दे दी कि मैं फेस से ही बंदे की समझ जाता हूँ यार, ये बंदा तकलीफ में है, और अपनी काबिलियत के हिसाब से उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अगर मदद करने के लायक उतना अमाउंट के हिसाब से मेरा पैसा नहीं हो पाता या मैं इस काबिल नहीं हो पाता हूँ, तो मैं उसको पॉजिटिव बातें समझा के, उनको बोल के, और जो भी अपनी तरह से हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करके उसकी हिम्मत बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और 70% और 30% नाकामयाब रहता हूँ, लेकिन 70% में 100% कामयाब हो जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत दिल से अंदर से टूट चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मोटिवेशन मैं करते रहता हूँ प्रभु, ठीक है। और जिस तरीके से ये बच्चे 10-15 साल से मैंने अपनी गोद में रखे हुए हैं, ठीक है, इनमें से कितने दुनिया से जा चुके होंगे, उनके बच्चे आ रहे हैं, फिर उनके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, रूटीन लगातार चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही ये डिब्बा खाली होने को आता है, तो 10 किलो में फिर ऑलरेडी 2 किलो बैलेंस रहने से पहले 10 किलो फिर मैं ले आता हूँ, ताकि ये, क्योंकि दिन में तीन बार फीड करते हैं, और अगर हमने ये फीड नहीं किया इनको, तो कबूतर जो सामने की बिल्डिंग है दाएँ बाएँ बैठ के आस में रहते हैं, वो उड़ेंगे नहीं मेरे भाई, हकीकत है उड़ते नहीं यार, उनको पता है कि यहाँ खाना, ठीक है, यहाँ से खाना मिलना ही मिलना है, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है यार। और इनकी जो आवाज़ होती है ना, कड़ 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 कड़, शुरू में तो जब मैं बहुत पहले की बात है, शुरू में सोचता था यार ये बेमौसम धूप आई थी, बारिश कहाँ से आ गई, ठीक है। तो धीरे धीरे अब आदत ही पड़ गई दोस्तों इस चीज़ों की, ठीक है। तो मानो तो इंसान के नाते यार, ठीक है, पैसे ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलता दोस्तों कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, ठीक है। आप छोटे छोटे, ठीक है, एफर्ट डाल के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो आपका तरीका, आप किस तरीके से किसी को खोज सकते हो या अपने दिल को खोज सकते हो। मानता इंसान के नाते ज़िंदगी मिलेगी नहीं फिर दोबारा यार मेरे भाई, मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ आज की डेट, पूरी दुनिया जीतने चला था भाई, ठीक है। तो कोशिश करो यार, ठीक है। अब सर्दी का मौसम आ गया है, तो जानवरों के लिए ना एक एक कंबल या बोरे का टाट बिछाने का आपका फर्ज बनता है यार। उसके अंदर कुछ कपड़े वपड़े ठोक दो, उसको गद्दा टाइप का बना दो, और कहीं पे ऐसी सेफ जगह पे बिछा दो जहाँ बारिश का पानी ना आता हो, उन्हें कोई डॉग आके वहाँ पे अपना रेस्ट की जगह बना लेगा। समझने वाले के लिए सारा काम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।